हेलो गाइज, SK11 एक्सपर्ट चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ ड्रीम इलेवन वुमेन सुपर स्मैश का अगला मैच, यानी कि जो आपको मैच खेला जाता दिखेगा सेंट्रल हिंट्स वुमेन वर्सेस ऑकलैंड हार्ट्स वुमेन के बीच में, यानी कि जो आपको CHW वर्सेस AHW के बीच में मैच खेला जाता दिखेगा अर्ली मॉर्निंग में। गाइज, आपको कल ये मैच खेला जाता दिखेगा। तो गाइज, मैं इस वीडियो में इसी मैच को कवर करने वाला हूँ। गाइज, मैं आपको फुल स्टैट प्लस इन्फो दूंगा, यानी कि गाइज मैं आपको फुल स्टैट्स दूंगा दोनों टीम्स के प्लेयर्स की, और साथ में गाइज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो शायद ही आपको कोई दे पाएगा। तो चलिए गाइज, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको पहले ही बता दूँ, यह मैच आपके लिए अच्छा नहीं है स्मॉल लीग के लिए। तो आप प्लीज़ इस मैच में स्मॉल लीग ना खेलें और ग्रैंड लीग खेलने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि क्रेडिट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस मैच में। तो आप इस मैच में ज़्यादा स्मॉल लीग ना खेले और ग्रैंड लीग खेले। जैसा कि गाइज आपने पिछले मैच में देखा होगा, अगर आपने पिछले मैच में मेरी टीम अगर लगाई होगी और मेरी पिछली बारी वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने गाइज यहां पर एक मेन ऑलराउंडर को ड्रॉप किया था क्रेडिट के चलते, और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया था। तो गाइज ये मैच भी अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप प्लीज़ आप यहाँ पर ग्रैंड लीग ही खेले, स्मॉल लीग ना खेले। और गाइज मैं आपको स्मॉल लीग की टीम भी इस वीडियो में ही दूंगा, मैं आपको 2 GL की टीम देने वाला हूँ। आप उसे चाहे तो स्मॉल लीग में लगा सकते हैं, लेकिन अपने रिक्स पर ही लगाइएगा। मैं सिर्फ इस मैच में GL यहाँ पर खेलने वाला हूँ। तो गाइज फाइनल अपडेट के लिए आपके लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो अपने टेलीग्राम पे जाएं और सर्च करें SK11 एक्सपर्ट और हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाए। तो चलिए गाइज अब हम अपनी मैच की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज इस मैच की परफॉर्मेंस, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले गाइज मैं अगर पिच के बारे में आपको बताऊं, तो पिच जो है वो गाइज यहां पर सेम पिच ही है जो कि लास्ट नाइट यहां पर यूज हुई है। तो यहां पर जो टीम विन टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग लेना चाहेगी, क्योंकि चेसिंग यहां पर इजी नहीं है। और जो लास्ट दोनों मैचेस हुए हैं कल यस्टरडे, वो दोनों मैचेस गाइज यहां पर चेस करने वाली टीम नहीं जीत पाई है। और गाइज यूज पिच है, 2 मैचेस ऑलरेडी कल हुए हैं, तो आज 3रा मैच होगा इसी पिच पर। तो यहाँ पर स्पिनर को एडवांटेज मिल सकता है सेकेंड इनिंग में। तो गाइज जो टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी उनके बैटिंग करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और गाइज बैटिंग के लिए भी ये ठीक ठाक सी पिच है, एवरेज स्कोर आपको 140 देखने को मिल सकता है। वुमेन्स के मैचेस में इतने ही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में गाइज आपको यहाँ पर स्पिन देखने को मिल सकती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम प्लेइंग 11 पर चलते हैं। पहले आप सेंट्रल हिंट्स विमेन की प्लेइंग 11 देख लें, बैटिंग ऑर्डर भी और रिसेंट मैच की परफॉर्मेंस भी। पहले आप देख लें वाटकिन के साथ सुनिंघम ओपनिंग करेगी। वाटकिन ने पहले मैच में 12 रन किए, दूसरे मैच में 1 रन किए, जो गाइज यहाँ पर 1 रन है ये पिछले मैच के स्टैट्स से, यानी कि कल इन्होंने जो खेले हैं, और जो 12 रन है वो पहले मैच के स्टैट्स है। तो ध्यान रखिएगा पहले मैच की परफॉर्मेंस है, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर सुनी वाटकिन ने पहले मैच में 12 किए, दूसरे में 1 किए। विकेट की बात करें तो पहले मैच में इनको 1 विकेट मिला, दूसरे में इनको 2 विकेट मिला। सुनीघम की बात करें तो पहले मैच में इन्होंने 6 रन बनाए, दूसरे में 17 रन बनाए। तीसरे नंबर पर नटालिया डॉट आएगी, जो कि टीम के विकेट कीपिंग है और वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है गाइस मेरे हिसाब से इस पूरे वुमेन सुपर स्मैश की। बहुत अच्छी प्लेयर है और बहुत अच्छा टेक्निक है इनका और काफी अच्छी प्लेयर है। पहले मैच में इन्होंने 20 रन किए, दूसरे में 49 रन किए। चौथे नंबर पर आएगी डेवेंटर, जिन्होंने पहले मैच में 7 किए, दूसरे में 35 किए। पांचवे नंबर पर आएगी इनकी एक और ऑलराउंडर हन्ना रोबे, जिनका ODI स्टैट्स काफी अच्छा है। पहले मैच में इन्होंने 8 किए, दूसरे में 3 किए। पहले मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिला, दूसरे में 1 विकेट मिला। क्रेग आएगी, क्रेग कुछ खास प्लेयर नहीं है, 4 और 9 रन इन्होंने किए 2 मैचेस में। फिर आएगी मेयर, जो कि गाइज एक इंपॉर्टेंट पेस बॉलर है, टीम की सबसे मेन बॉलर है और काफी अच्छी बैटिंग करना भी जानती है। पहले मैच में इन्होंने 7 किए, दूसरे में 12 रन किए। पहले मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिला, दूसरे में 1 विकेट मिला। और गाइज आप यहाँ पर और 4 बॉलर्स के यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एटकिंसन, हैंसन, रीस और ग्रीन की। तो गाइज अब मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको लास्ट ईयर का स्टैट दिखा देता हूँ उस टीम की। तो गाइज ये आप इनके लास्ट ईयर का स्टैट देख सकते हैं, ये मैंने आप कल भी दिखाया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन रहने वाले हैं। तो चलिए गाइज अब मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम के बता देता हूँ, जो कि आप जरूर अपनी टीम में रखने की कोशिश करें।
तो गाइज जे वॉटकिन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप उनको टीम में रख सकते हैं। उसके अलावा गाइज यहाँ पर सोनिघम ओपनिंग कर रही है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहेगी, ट्राई कर सकते हैं। डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल भी ड्रॉप ना करें। और ग्रैंडली की कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी ऑप्शन है डेवेंटर, गाइज इनको लोग ले रहे हैं लेकिन मुझे उतनी पसंद नहीं है और कुछ खास प्लेयर है भी नहीं। लास्ट ईयर के स्टैट्स भी कुछ अच्छे नहीं है, अगर आपको लेना ले सकते हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। हन्नारो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, भले ही दो मैच में अभी तक उतना अच्छा नहीं खेली है लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। मेयर सबसे मेन बॉलर है और बैटिंग भी अच्छी करती है, ऑलराउंडर ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गाइज अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ जो चार ऑप्शन है उनमें से गाइज मुझे सबसे अच्छी यहाँ पर सी एल ग्रीन लगी है, इसलिए गाइज मैंने यहाँ पर ओवर्स लिखे हैं। ध्यान रखिए ये जो चार बॉलर्स है, चारों बॉलर्स के मैंने जो दो मैचेस हुए पूरे उनके ओवर्स लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन ने काफी अच्छी बॉलिंग की है, इसका मुझे लगता है ग्रीन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके अलावा हैंसन को दो विकेट मिले लेकिन मात्र उन्होंने दो ओवर ही डाले हैं, इस कारण से मैं इनको इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा। तो गाइस कुल मिलाकर बात यही है कि इस टीम की तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो है यहाँ पर वाटकिन, सोनिघम, डॉन, रो, मेयर और यहाँ पर ग्रीन। तो ये सब गाइज इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, आप इन पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अब चलिए गाइज हम दूसरी टीम पर चलते हैं। बेंच पर टॉम विल्सन है, खेलने का चांस नहीं है, आप देख सकते हैं स्टैट्स कुछ खास नहीं है। ऑकलैंड हार्ट्स मूवमेंट की आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हैं और बैटिंग ऑर्डर और साथ में रिसेंट मैच के परफॉर्मेंस आप खुद गाइज यहाँ पर देख लें। यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाती है अगर मैं बताने लगता हूँ तो रखेगा जो इस साइड वाले रन है वो पिछले मैच के हैं और जो इस साइड वाले रन है वो यहाँ पर पहले मैच के हैं। और आप बॉलिंग परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, बेंच पर हक्कर है जो कि अंडर 19 प्लेयर है, अगर इनको मौका मिलता है तो एक अच्छी यहाँ पर बॉलर बन सकती है। इनका स्टैंड अप देख सकते हैं काफी अच्छा है। मैकनील कुछ खास नहीं है, पेनफोर्ड ओडिया ही ज्यादा खेली है। तो गाइज अगर कोई खेलता है यहाँ पर तो वो हकर खेल सकती है, तो आप उनका स्टैट देख सकते हैं। ये गाइज आप यहाँ पर लास्ट ईयर का स्टैट देख सकते हैं जिससे आपको काफी अच्छी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलिए गाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पर बता देता हूँ। अन्ना पीटरसन पिछले साल टीम की कैप्टन थी, इस साल लॉरेंट डाउन है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लगभग गाइज आपको चार ओवर बॉलिंग करके देगी और ओपनिंग करेगी, काफी अच्छी प्लेयर है, न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल प्लेयर है और इस साल भी वर्ल्ड कप में टीम के साथ थी। उसके अलावा लॉरेन डाउन भी इंटरनेशनल प्लेयर है, ये भी ठीक ठाक है, T20 भी उतनी कुछ खास नहीं है, ODI के लिए ज्यादा अच्छी है। उसके अलावा जो पार्किंस है गाइज वो काफी अच्छी प्लेयर है, इनका आप पिछले साल का स्टैट देख सकते हैं। ग्रैंडली की ये भी कैप्टनसी की अच्छी ऑप्शन है। आर्मस्ट्रांग अच्छी ऑलराउंडर है, स्पिन ऑलराउंडर है, ज्यादा बॉलिंग करना जानती है लेकिन बैटिंग में ठीक ठाक सी करती है। सहीरी गाइज पिछले साल का इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है लेकिन इस साल कंसिस्टेंट है तो ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनती है। हडलस्टोन वेटरन प्लेयर है न्यूजीलैंड की, काफी अच्छी फास्ट बॉलर है जो कि हिटिंग भी कर सकती है, ये भी एक अच्छी प्लेयर है, आप इनको जरूर ट्राई करें। लिली कुछ खास नहीं है, केली गाइज एक अच्छी बॉलर है, बैटिंग उतना नहीं करती है, दिया गया इनको ऑलराउंडर में लेकिन एक अच्छी बॉलर है, पिछले मैच में 3 विकेट लेकर आ रही है तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रसाद गाइज कुछ खास नहीं है, पिछले साल आप देख सकते हैं इनका कुछ खास स्टैट नहीं है लेकिन पिछले मैच में इनको 2 विकेट मिला है तो आप ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हैं। कर्नाचन 10वें नंबर पर आ रही है तो आप इन्हें मत लें, कोई फायदा नहीं रहेगा। वहीं पर एफ जोन्स जो है वो गाइज एक ठीक ठाक सी यहाँ पर बॉलर है, इनका पिछले साल का भी स्टैट्स ठीक ठाक सा ही था। तो गाइज कुल मिलाकर बात यह रहती है जो ऑकलैंड हार्ट्स वूमेन के यहाँ पर मेन प्लेयर्स रहेंगी यानी कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, वो रहेगी अन्ना पैटरसन, केटी पार्किंस, बेला आर्मस्ट्रांग, सचिन सहेरी, एच हडलस्टोन, यहाँ पर ए कैली और एफ जोन्स, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। उसके अलावा लॉरेंट डाउन भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और गाइज ये लास्ट ईयर का आप स्टैट देख सकते हैं अपने सामने। तो गाइज ये गाइज मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है इस मैच के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको 2 GL की टीम दिखाऊंगा। गाइज आप स्मॉल लीग इस मैच में ना खेलें, अवॉइड करें। अगर आप स्मॉल लीग खेलना चाहते हैं तो मेरी स्टैट्स और इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इतनी अच्छी से दी है आप इसे यूज कर स्मॉल लीग खेल सकते हैं, लेकिन आप खुद की टीम बनाने की कोशिश करें। अभी जो मैं आपको गाइज टीम दिखाने वाला हूँ वो ग्रैंड लीग की रहेगी तो आप सिर्फ उसे ग्रैंड लीग में ही यूज करें, आप स्मॉल लीग में यूज ना करें क्योंकि बहुत रिस्की टीम वो है और आप सिर्फ ग्रैंड लीग में यूज करें। मैं सिर्फ दोनों टीमों को ग्रैंड लीग में ही डालने वाला हूँ। तो गाइज चलिए मैं आपको ग्रैंड लीग की दोनों टीम दिखा देता हूँ। तो ये गाइज मेरी 2 ग्रैंड लीग की टीम है इस मैच के लिए, आप देख सकते हैं ये पहली टीम है। इसमें गाइज
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेंट्रल हिंड वुमेन्स के फेवर में टीम की है और मैंने कैप्टन भी वाटकिन को की है जिन्होंने जिनका अभी तक बैटिंग से उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है और वाइस कैप्टन मैंने मेयर को किया है क्योंकि ये टीम की सबसे अच्छी बॉलर है इस कारण से और बैटिंग भी ठीक ठाक कर सकती है। गाइज आप इस टीम में क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टन चेंज करके रो को कर सकते हैं वो भी अच्छी रहेगी। उसके अलावा डॉट भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप उन दोनों को भी इस टीम में ग्रैंडली की अलग अलग कॉम्बिनेशन अच्छी सी बना सकते हैं। तो गाइज ध्यान रखिए इसी टीम को यूज कीजिए और दो और टीम बना लीजिए ग्रैंडली के लिए, सिर्फ वाइस कैप्टन यहाँ पर रो को कर दीजिए एक टीम में और एक टीम में डॉट को कर दीजिए, तो गाइज आप ग्रैंडली की दो टीम आसानी से बना पाएंगे। मान के चल रहा हूँ कि वाटकिन इस मैच में नहीं चलेगी और यहाँ पर ऑकलैंड हार्ट्स का ज्यादा जीतने का चांस रहेगा, एक बैलेंस्ड टीम है। कैप्टेंसी मैंने पैटरसन को दी है और वाइस कैप्टेंसी मैंने यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग को दी है। यहाँ पर वाइस कैप्टेंसी आप चाहे तो हॉडल स्टोन या फिर पॉडकिंस को भी दे सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छी रहेगी। और गाइज ये मैंने ज्यादातर यहाँ पर ऑकलैंड हर्ट्स के फेवर में किया है। तो गाइज ये दो टीम्स हैं, एक मेरे हिसाब से बैलेंस है और एक है सेंट्रल हिंड्स वुमेन के फेवर में। आप इसी टीम में मैंने गाइज आपको काफी सारे और कॉम्बिनेशन बता दिए हैं तो आप उस सब कॉम्बिनेशन को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। और गाइज मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, जो ग्रैंड लीग की सबसे अच्छी ऑप्शन है कि कैप्टन वाइस कैप्टेंसी की वो रहेगी सबसे अच्छी नटालिया डॉड, हन्ना रोबे और आर मेयर, ये तीनों बेस्ट रहेगी। यहाँ पर कैली को काफी लोग स्मॉलिंग में करेंगे लेकिन वो सिर्फ बॉलिंग करें इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ पर नटालिया डॉल, हन्ना रोबे, आर मेयर और हडल स्टोन, इन चारों प्लेयर पर ध्यान दीजिए गाइस, इन चारों प्लेयर्स को आप ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हैं। तो ये गाइस दो जीएल्स की टीम है और आप चाहे तो और अपनी भी खुद की टीम यहाँ पर जीएल में बनाकर लगा सकते हैं। तो गाइज बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, और गाइज आप टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लें क्योंकि अगर कोई यहाँ पर हमारा प्लेयर नहीं खेलता है तो गाइज मैं आपको दोनों जीएल टीम्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करके मॉर्निंग में दे दूंगा। मैच रहेगा 2:40 में तो आप 2:20 तक जरूर एक्टिव हो जाइएगा टेलीग्राम पर फाइनल टीम के लिए, तो आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है चाहे तो अपने टेलीग्राम में जाकर यहाँ पर SK11 एक्सपर्ट सर्च कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि सभी मैचेस की वीडियो आनी यहाँ पर मुश्किल होती है और कल से गाइज मैं आपको ज्यादातर मैचेस की टीम देने की कोशिश यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर करने वाला हूँ, तो गाइज आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और गाइज प्लीज वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो भी अच्छी विनिंग कर पाए। और गाइज अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें।